तो क्या आपको पता है कि डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड जिसमें नोबिता नोबी को काफी ज्यादा हेट करा जाता है। और क्या आपको पता है कि डोरेमोन ने असल में एक विलन को मार डाला था, तो वो कैसा एपिसोड था, क्या था, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं बार बार बोलते बोलते थक गया हूँ, तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, तो यार क्या आपको पता है कि डोरेमोन की एक मूवी में जिसका नाम था डोरेमोन बडोपे का सुल्तान, वहां पे डोरेमोन ने असल में एक विलन को मार डाला था। और वो कैसे, तो आप लोग यार इस डायनासोर वाले विलन को तो जानते ही होंगे, जहां पे डोरेमोन ने इसको स्पेस में भेज दिया था। और यार स्पेस में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये जो विलन है, ये जो डायनासोर है, ये कुछ टाइम बाद स्पेस में ही मर जाएगा। तो सही है यार। फैक्ट नंबर टू, तो यार आप लोग ये बात तो हमेशा से जानते होंगे कि यार डोरेमोन की असल में एक फिंगर है, दो फिंगर है, हमें ऐसा ही दिखाया गया है। लेकिन मैक्सिमम एपिसोड में हमें उसकी दो फिंगर दिखाई गई हैं। लेकिन आप लोग ये बात जान के शॉक होने वाले हो कि यार मांगा में डोरेमोन की असल में पांच फिंगर दिखाई गई हैं, जो कि यार आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और अगला फैक्ट भी मांगा से ही जुड़ा हुआ है, तो यार डोरेमोन के जो हाथ है वो उसके पैर से ज्यादा बड़े हैं, जो कि यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डोरेमोन असल में हाथों से साइकिल चला रहा है, बल्कि उसके पैर छोटे पड़ रहे हैं। तो यार सच में मुझे कभी कभार डोरेमोन के ऊपर शक भी होता है कि यार वो रोबोट है या फिर कुछ और है। तो यार चलो बात करते हैं डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड जिसमें नोबिता नोबी को काफी ज्यादा हीट किया गया था। हाँ बस उसी एपिसोड में हीट किया गया था, उसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। तो यार उस एपिसोड का नाम है नोबितास अंडरग्राउंड वर्ल्ड। फिर उसके बाद ये लोग एक वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और इन्वाइट करते हैं जियान, सुनियो, सिजुका और डेगिसुकी को। और यहाँ पे जो जियान होता है वो ऑटोमेटिकली ही अपनी मनमानी चालू कर देता है। तो यार फिर क्या होता है कि जो डोरेमोन है वो नोबिता को एक पावर देता है कि वो वहां का पुलिस है और वो किसी को भी सजा दे सकता है अपनी उन रिपोर्ट पुलिस की हेल्प से। तो यार फिर यहाँ पे नोबिता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, यानी वो जियान, सुनियो, डोरेमोन और सिजुका को अपना नौकर बना लेता है और उनसे दिन भर भरी धूप में अपने खेतों में काम कराने लग जाता है। जिसके बाद यार इन लोगों को काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि यार सोचो कि अगर तुम्हारे पास एक पावर आ गई है और तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो बल्कि गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपने दोस्तों को इतना परेशान कर रहे हो, तो यार तुम सोच ही सकते हो कि ये बंदा कैसा है। और इसने सिजुका के बारे में भी नहीं सोचा, कम से कम ये तो सोच लेता कि यार वो लड़की है, मेरी क्रश है, मैं चलो उसको अपने पास रखता हूँ, बल्कि इसने सिजुका से भी काम कराया है खेतों में। कैसा सिग्मा बंदा है भाई ये। तो यार सच में मैं तो काफी शॉक हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जियान, सुनियो, डोरेमोन, सिजुका और डेगिसुकी नोबिता के खिलाफ बगावत कर देते हैं और नोबिता को उसकी सबक सिखा देते हैं। तो यार सच में नोबिता तो यार क्या ही सिग्मा मेल है। तो अब बात करते हैं जापान के एक रियल लाइफ फैक्ट से। तो आप लोग का मन होता होगा कि यार मुझे जापान जाना है, घूमना है, उनका कल्चर देखना है। तो जापान घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे आप लोग घूम के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। लेकिन अब रही बात रहने की, तो यार भूल जाओ, कभी जापान में अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं जापान में जाके रहना चाहता हूँ, तो आप लोग शायद अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे। क्योंकि यार देखो जापान के जो लोग हैं वहाँ पे अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप लोग को जॉब से एक दो घंटे पहले ही ऑफिस में जाके बैठना होता है, और आपकी छुट्टी भी हो जाए ना तो भी आपको दो तीन घंटे वहीं पर रुकना होता है और काम करना होता है। और ऐसी ऐसी जॉब भी होती है मैक्सिमम वहाँ पर कि वहाँ पर आपको सातों दिन काम करना पड़ेगा, यानी संडे को भी भाई तुम्हें चैन नहीं है। अगर आप लोग जापान में जाके ना रहने का सोचोगे ना, तो भाई बस काम करते करते थक जाओगे। और रही बात स्कूलों की, तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि जल्दी से यार छुट्टी हो जाए, हमारे कोई शोज या फिर कुछ मिस ना हो जाए। और रही बात जापान की, वहाँ पे बच्चे छुट्टी होने के बाद भी तीन तीन चार चार घंटे रुक के स्कूल की सफाई करते हैं। मतलब यार यहाँ पे हमें अपने घर में झाड़ू तो लगाए जाते नहीं है और वहाँ पे बच्चे स्कूल ही साफ कर रहे हैं पूरा। जापान के लोगों को वर्कलोड काफी ज्यादा होता है, उनको अपने काम की काफी चिंता रहती है और वो काफी ज्यादा इसी चीज के ऊपर डिप्रेशन में रहते हैं। और यहाँ पे क्या है भाई, लॉकडाउन में तो काफी सारे लोगों ने घर बैठी सैलरी ली है। तो यार तुम लोग सोच सकते हो कि जापान रहने के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात घूमने के लिए, तो यार जापान घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है। तो आपको ये इफेक्ट कैसा लगा जरूर से यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और अभी मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो यार वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही आएगी या फिर वीडियो आएगी ही नहीं। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको देखो, एंजॉय करो। और मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।